अवैध गतिविधियों की रोकथाम और वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के दौरान थाना सरमथुरा पुलिस ने विभिन्न विभिन्न मामलों में कुल 54 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। अभियान के दौरान काफी समय से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। अभियान में थाने के भिन्न प्रकरणों में वांछित चल रहे मुलजिमों को गिरफ्तार किया। कार्यवाही के दौरान 15 अलग अलग टीमों का गठन कर थाना क्षेत्र के गांव बरोली, हुलासपुरा, कांसपुरा, बेजोली कस्बा, सरमथुरा, बड़ागांव, शीतलपुरा, झिरी, हुल्लूपुरा, आंगई, तरवा, कचपुरा इत्यादि कुल 22 भिन्न भिन्न स्थानों पर पूर्व से चिन्हित मुलजिमों के खिलाफ दबिश की कार्यवाही की गई। नवभारत समाचार धौलपुर राजस्थान से राजू शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय जयपुर और श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर के दिशा निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ एवं अवैध गतिविधियों रोकथाम बाबत जो अभियान चलाया जा रहा है, विशेष अभियान के दौरान आज थाना सरमथुरा इलाके में पुलिस थाना सरमथुरा और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए भिन्न भिन्न धाराओं में भिन्न भिन्न मामलों में करीब 54 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है, जिसमें विशेष रूप से आर्म्स एक्ट में दो मुलजिमों को अलग अलग 3/25 आर्म्स एक्ट में एक टोपीदार बंदूक के साथ और एक छुरे के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा एक्साइज एक्ट में 3 मुकदमे बनाए गए हैं, जिसमें 3 व्यक्तियों को अवैध देसी पौओं के साथ गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 13 आरपीजीओ में अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 4 मुकदमों का इन दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान नॉइज कंट्रोल एक्ट में आरएनसी में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अवैध रोक गतिविधियों की रोकथाम हेतु माइंस इंजीनियर जो अभियंता हैं उनके साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थरों से भरे हुए ट्रक को पकड़ने में सफलता अर्जित की है, जिसके माइंस विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने वाले एक चालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 185 एमबीए की कार्रवाई की गई है। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर उत्पात मचाने में 510 आईपीसी में एक कार्रवाई की गई है। इसके अलावा उक्त अभियान के दौरान वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान का दौरान एक स्टैंडिंग वारंटी जो पिछले काफ़ी समय से फरार चल रहा था उसको गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। विभिन्न विभिन्न मामलों में जो विभिन्न विभिन्न मुकदमों में वांछित व्यक्ति थे उस तरह के कुल 3 मुलजिमों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा बिना नंबरी वाहनों के अभियान में हमने 17 बाइक्स जो बिना नंबरी को जब्त किया है। इसके अलावा भिन्न भिन्न 10 सालों से जो भिन्न भिन्न धाराओं में चालानशुदा व्यक्ति हैं, चाहे वो लूट चोरी डकैती इस तरह के रहे हों, वाहन चोरी के रहे हों या एक्साइज एक्ट आर्म्स एक्ट में रहे हों, तो इस तरह के कुल से 33 लोगों से पूछताछ कर 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। इस तरह से इस अभियान के आज की कार्रवाई इस प्रकार है।